फ्रेंड्स, खावा गणिसा और गुड इवनिंग। इवनिंग में मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और मम्मी आए थे हमारे घर पे, तो मम्मी हाय करो, आप भी गुड इवनिंग करो सबको। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो मम्मी है ना, थोड़ा सा ऐसे नर्वस हो जाती है कैमरा देख के। कमाता है? है? क्या कमाता है? कमाता है हिंदी इंग्लिश बोलने। हिंदी इंग्लिश भाषा, ऐसी भाषा में भी बहुत खराब हो चुकी ना हरियाणा ना राजस्थान। मम्मी ऐसे बोल रही है कि मेरी ना मारवाड़ी भी खराब हो गई ना, तो मेरी झुंझुनू की रही ना, मेरी चूरू की रही और ना हरियाणा की रही, क्योंकि हरियाणा तो मम्मी के है ना। मेरी मम्मी का गांव था ननियाल था आपका? हाँ। तो मम्मी का ननियाल था, वहीं रहे थे मम्मी, तो वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं रही और अपने गांव की भी नहीं और अपने ससुराल की भी नहीं रही। और ऐसा ही मेरे साथ है, सेम चिराना की भी नहीं है मेरी जो भाषा थी ना, वैसे काई बोल रहे हो और यहाँ वो वाली भी नहीं रही मेरी, और के करण लाग रही हो ये वाली है हमारे चूरू की। और मेरी मेरी भाषा बताती हूँ आपको, काई कर रहा हो और खट जा रहा हो, अठे बैठो उठो, ऐसी वाली है मेरी वाली भाषा। आबादियो जाबादियो, मने मने जानो है चिराना है, पर मन भेजा को नहीं, मेरी सासू बहुत खतरनाक बदमाश है मेरी सासू, ये वाली भाषा है मेरी। और हमारी चूरू की भाषा बताती हूँ आपको, के करण लाग रही है, आज जा तू जल्दी सी। मोमोज खाने, मम्मी के फेवरेट, जो कि शाम को हम खाने वाले थे ना। और पता है मम्मी है, मतलब स्कूटी भी नहीं है, स्कूटी पापा लेके चले गए। मम्मी क्या बोल रही है कि मोमोज के लिए हमें ना पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि स्कूटी है ना पापा लेके चले गए और गाड़ी ऋषभ के पापा लेके चले गए। और अब मम्मी पता है मुझे क्या बोल रही है, मम्मी ऐसे बोल रही है कि तने ना भाई बाइक भी तो चलानी है के? मतलब मम्मी है ना मेरे, मतलब मेरे को चलानी इतनी कहाँ आती, इतनी नहीं आती मुझे, वो बुलेट पड़ी है अभी ऋषभ के पापा की, तो मम्मी बोलती है कि तन बुलेट चलानी भी तो आवे, तू भाई ले चल। तो मम्मी मोमोज के लिए ना, मोमोज के लिए मम्मी है ना कुछ भी कर सकती है, मतलब मरने के लिए भी तैयार है, ऊपर भी जा सकती है। मम्मी क्या बोल रही है कि मोमोज के लिए मैं ऊपर भी जा सकती हूँ। तो आज मम्मी का फेवरेट मोमोज। मेरे ब्राह्मणों का यार मोमोज तो खाना। हाँ, और हाँ एक बात और बतानी थी आपको, पता है मम्मी क्या बोलती है मुझे कि है ना, जब मैं मरूँ ना तब है ना वो ब्राह्मण होते हैं ना उनको है ना मोमोज खिलाना, एक एक प्लेट तो खिला देना, जयपुर में करना कोई प्रोग्राम। बहुत मजे आते मम्मी के। तो गाइस वहाँ पे मिलेगी हमें सुरभि गाइस है ना, मम्मी को है ना एक एक क्या पहन के आई है। मेरा पता है क्या होता है कि मैं ना जैसी चप्पल पहनने रखती हूँ ना घर पे, मैं वही पहन के आ जाती हूँ। जैसे एक एक शादी में आपने देखा भी था, डिम्पी की शादी थी, तो मैं महिला संगीत में पहुंच गई बाथरूम की चप्पल पहन के, है मम्मी वो देखा आपने? तो मम्मी ऐसे बोलती कि ऊपर से तो सुंदर लागे घड़ी और नीचे हुआ ना, चप्पल का मैं बिल्कुल ध्यान नहीं करती, जो भी आए यार पहन के चले जाओ, क्या ध्यान करना। तो यहाँ पे पानी पताशी भी मिल रही है, पर मम्मी को पानी पताशी से कोई मतलब नहीं है, है मम्मी? मोमोज खा के आएंगे, चाहे दूर चलो मोमोज खाएं, चाहे दूर जाना है पर खाना मोमोज है हमें। सो गाइस, आप काफी दिन बाद में हमारी सुरभि से मिल सकते हो, और ये तो वैसे ही वैसी पतली की पतली ही है, देखो ये मेरे मतले देखो चप्पल के मेर के आई हूँ। सास बहू की, ये सास बहू की जोड़ी को देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारे हैं दोनों। हाय मम्मी, देख तेरे व्लॉग में भी हाय कर रही है। अच्छा चल, तेरा कहीं गिरे मम्मी? मम्मी जान लगे, दो तीन बावली लड़कियां हैं इसको, बस टाइम की बंदेड़िया होनी शाम की शाम। हाँ कर दिया, बोल दिया, हो दो प्लेट लगा दे साथ ही। हमारे मोमोज आ गए, चाट मसाला भी चाहिए भैया, चाट मसाला नहीं चाहिए तुझे? इसको बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हो? चटनी डालो, ऐसे 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 नहीं होगा तो स्वाद क्या होगा भैया, चटनी डालो। मम्मी के ऐसे ऐसे नहीं होना ये चटनी से, भैया चटनी डालना भैया, कौन सी चटनी? चटनी चीन चौन चैन चौमची। आ मम्मी लियो, थे दो स्वाद लियो, बस बहुत है, ठीक है तू ले चटनी, तू तो ले, थकड़ा भी खा ले। मैं नहीं नहीं मैं ले लूंगी इनसे, थे आज तो खाई। मम्मी मांग रही है पीने का पानी, क्यों मम्मी? अब बार चटनी मांगे जब तो कौन मानेंगे, मांगे थे पीने को पानी सही लगे तो है, मुंडो भी बढ़तो रहे वे, मुंडो भी बढ़तो रहे वे, और
खाता भी रहा है। खाता भी रहे। तेरे को कौन बोल रही है? चटनी नहीं खा रही। मैं दिखा दूँ। लो क्या? नहीं मैं दिखा रही ना तुझे। तो आप देख सकते हो ये काफी दिन बाद मिली है ये, और इतनी डांट लगाती है ये, इतनी डांट लगाती है पूछो मत। मतलब क्या क्या बोलती रहती तू? बिजी इंसान और क्या बिजी होगी ना आंटी, बता लोगों को घुमाती रहती है। अपने आप ने वो ज्यादा समझने लगी है स्पेशल घमंड। नहीं नहीं मेरे सब्सक्राइबर को पता है मेरे घमंड बिल्कुल नहीं आया। मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि भाई साहब तभी तो ऐसी जगह बैठी है, देख कहाँ बैठी है। मेरे होटल की जगह है। सब्सक्राइबर हमेशा ऐसे बोलते हैं कि भाई साहब में घमंड नहीं है। वो तो सही बात है। ये है ना सुरभि है ना, यही बोलती रहती है मेरे में घमंड बिल्कुल नहीं बोलती, मजाक करती है। हमारी है ना लड़ाई होती रहती है, हम तो टॉम एंड जेरी है। एक मर्दी सुरभि के टूजे सुरभि है ना गरम लेगी जो वो वाला फेस कौन बना रही एक बार बना सुरभि क्या करी एक बता वो फेस बना मुंह के अंदर भी ठंडा कर दी बाप निकाल दिया। बहुत ज्यादा गर्म हो गया। बहुत ज्यादा गर्म है, रियल में बहुत ज्यादा गर्म है, और गर्म में ही मजे ज्यादा। ज्योति भाई साहब आपके बच्चे ऐसे होंगे, ऐसे बोल रही मम्मी है। ऐसा बेबी होने वाला आपकी। हेलो हेलो बाबू हाय। तो ज्योति भाई साहब देख लो आप मम्मी क्या बोल रही है। मम्मी बोलो अब ये फोटो देख लेना। सेम टू सेम ऐसा ही सेम की सेम। देख लो ज्योति भाई साहब आपको ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे बेबी होने वाले हैं आपके। एक चीज भी रिवील करने जा रही हूँ जो कि सुरभि भी यहाँ साथ में आ गई, और हम है ना क्या करवा रहे हैं उदयपुर में इवेंट करा रहे हैं, बहुत तगड़ा वाला। हम है ना हम है ना उदयपुर में इवेंट करवा रहे हैं, बहुत शानदार इवेंट होने जा रहा है वो, और इवेंट का नाम है घूमर है ना, घूमर है ना, और होटल कौन सी है रिद्धि इन है ना, रिद्धि इन। तो होटल हमारी होगी रिद्धि इन, और हम बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं हमें, और आप ज्यादा से ज्यादा भाई साहब पधारे और हमें अच्छे से प्यार दे है ना। तो देखो हम जयपुर से इवेंट करवाने जा रहे हैं उदयपुर, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है वहाँ पे, और हम बहुत मस्ती करने वाले हैं, ऐसे भी ब्लॉग आते रहेंगे। पापा के अभी फोन आ गया, तो गाइज आप ब्लॉग में बने रहना, मेरा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। बस ये बात हमें रिवील करनी थी जो कि मैंने आज सोचा कि चलो सुरभि आई है, सुरभि के साथ ही रिवील कर देती हूँ। बहुत अच्छी जगह है, मतलब बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजे भी करेंगे। अगर भाई साहब हुकुम आप उदयपुर से हो तो आपको 110% आना है, और उदयपुर से नहीं हो फिर भी आपको। फ्रेंड्स खमंगड़ी सा गुड मॉर्निंग। मेरे आज के न्यू ब्लॉग में, ब्लॉग तो मेरा कंटिन्यू कल से चल ही रहा है यार, ये क्या आदत हो जाती है। तो मॉर्निंग हमारी हो गई, काम वाम भी मेरा फिनिश हो गया, बस कीशा और ऋषा का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो स्कूल से आएंगे, फिर उनके कपड़े वगैरह भी चेंज करने हैं मुझे। और सुरभि का भी फोन आया था, हमें जाना है झोटवाड़ा। झोटवाड़ा क्यों जाना है मैं अभी बता देती हूँ आपको, मुझे एक पोशाक करवा के आनी है, और पोशाक क्यों करवानी है वो तो आपको पता ही है। मैंने तो आपको बताया था ना कि हमारा एक इवेंट है और वहां जाएंगे, और वहां के लिए मैं एक न्यू पोशाक बनवाने जा रही हूँ आज। तो देखते हैं झोटवाड़ा में कहाँ पसंद आएगी, ये तो मुझे भी नहीं पता अभी तक। चलो मैं आप, वैसे तो रात को मैंने और सुरभि ने आपको बताया था कि इवेंट कहाँ होगा, इवेंट का नाम क्या है, टाइमिंग क्या होगी, डेट क्या होगी, वो सारी चीजें मैंने बताई थी, बट फिर से मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमारे इवेंट का नाम है घूमर इवेंट, और डेट होगी 28 जैन, और टाइमिंग रहेगा हमारा 11 AM। तो हम बहुत मस्ती करने वाले, तो हुकुम आप ज्यादा से ज्यादा पधारें और हमें प्यार दें, सपोर्ट करें हमारा, हमारे सुरभि भाई साहब का भी सपोर्ट। वैसे मैं सारी डिटेल्स है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां पे सुरभि भाई साहब का कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दूंगी, और होटल कौन सी है, कहाँ है, कोई सर्किल भी था अब मुझे याद नहीं है, तो वो सारी चीजें सारी डिटेल है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से आप पूरा देख सकते हो और वहां आ सकते हो। सो गाइज अब मैं सुरभि को फोन करके बोल देती हूँ, क्योंकि यार वो है ना पता अपने ससुराल से बहुत ज्यादा लेट होके आती है। मैंने भी मेरा काम सारा फिनिश कर दिया, मैंने सोचा कि बच्चों के आने से पहले मैं ये वाला काम करके आ जाऊंगी, बट ये नहीं हो पाया उसकी वजह से, क्योंकि मैं तो कम से कम मतलब बच्चे गए थे 8 बजे और मैं 10:30 बजे मैंने पूरा काम फिनिश कर दिया। अब मैं नहा धो के भी रेडी हूँ बताओ, और वो अभी तक नहीं आई।
अब हम सोच रहे हैं कि बच्चे आ जाए फिर उसके बाद में ही जाएंगे, है ना। मम्मी आए वही घूमने दे इसको खुले में, तो कहाँ जाएगा वो खुले में घूमे, तो वहाँ कुत्ता ही तो है, कोई इंसान है क्या अंदर अंदर आएगा। मम्मी आए इस वाले घर पे और अभी वापस जा रहे हैं। मम्मी मम्मी को कोई काम याद आ गया क्या? क्या बता रही हूँ, सब ना आ गया थे आज। कहाँ गई थी? मतलब यही थी अठिन फॉक्स मो अठिन आओ अठिन की साइड मुंडो सही आवे को अठे ही मतलब कट गई पढ़ला कर गया ना सगड़ा जना ये कहवे कि था कि सासु बठिला ही बठिला करना प्यार करे था गड़ा करना तो प्यार ही कौन करे। मैं यहां से के अपने आप ने बना रही है ये अपने आप कुछ नहीं बना रही, सब बोलते हैं कि है ना आपकी सासु भाई भी घर नहीं प्यार करे। अच्छा और ठीलो तो कोई दूसरा कोई सोच में लियो, दूसरा सोच में लिया करेगी सब वेरो है आधे हाजी हूँ वेरो बढ़ गया। अच्छा तो है ना तो चूड़ी उड़ी पहरी है मैडम का निकलन का है कहीं चूड़ी वूड़ी पहन के कहीं जाने का है, कहीं जाने का है लुगड़ी वुगड़ी हटा दी नहीं जाने का लुगड़ी उगड़ी हटा दी कोट कर ले तो अब बताओ मम्मी ये क्या है सगला जना के जवाब देना है चीज को चीज को सबसे ज्यादा प्यार तो बड़े बेटे को करते हैं है। पहली बेटा बड़ा हो इसलिए फिर सबको कुछ ही नहीं जना जना थे मैंने अलग किया टेक दिया है? सगला जना के जन सगला जना के इतो ही प्यार है सासू बहू में तो अलग क्यों टेक में लिए था अलग तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है सुनी छोटी जाएगी कोई किराया रखा तो ये चीज ने संभाला था सगू मारी ने है हाँ। ये सासू को इतो जोरदार प्यार है जना थाना अलग क्यों टेक दी मैं कि भाई मैं कि भाई इन्हें प्यार तो हो और पर करे कि नहीं आ कोई बात करूं है आ कोई बात करूं मैं कि 8 साल तो घणो ही प्यार करियो अब क्या भी मैं तो कर रही हूं। सो गाइस 8 साल तो 8 साल तो मम्मी ने बहुत प्यार किया था, मैं तो अभी भी सब अच्छे प्यार वाले अब है ना अब है ना मम्मी ने मुझे ऐसे एक दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते है ना उस तरीके से फेंक दिया मुझे नाइस रावणा लिए नहीं देते ना अरे गाइस ऐसे ही मजाक कर रही हूँ, हमारी मजाक को आप सीरियस मत लेना, हम तो थोड़ा बहुत आपको एंटरटेनमेंट दे रहे थे क्योंकि एक भाईसा का कल है ना कल परसों 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया था कि भाईसा ऐसे गुस्सा आ रहा था आपका ना व्लॉग देखने के बाद में सारा गुस्सा गायब हो गया क्योंकि मैं इतनी ज्यादा एंटरटेनमेंट देता ना अब कोई एक भाईसा का कमेंट आया था कि है ना भाई साहब है ना मुझे इतना तगड़ा गुस्सा आ रहा था कि आपका व्लॉग देख के आपका ये फनी व्लॉग अपने सास बहू का देख के कि गुस्सा सब गायब हो गया मम्मी हाँ। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट दे दे हम और मम्मी को ऐसे ही मैं ऐसे मम्मी को तो ऐसे ऐसे करती रहती हूँ मैं ऐसे करती रहती हूँ कि है ना मम्मी इस वाली बिल्डिंग को तो आप अपना मानते ही नहीं हो बट्ठा तो क्या करें मठी पेड़े हैं पेड़े में वो जबकि फ्लैट है फ्लैट में भी है ना 8 लोग रहते हैं फिर भी मम्मी है ना ऊपर से लेके नीचे तक सीढ़ियों में है ना पोचा लगा रही थी नहीं जो हमारी सीढ़ी है उनमें लगा रही थी सबने अपनी अपनी सीढ़ी बांट रखी है फिर भी 2 जनों की है वो वहाँ पे तो सीढ़ियों में है ना मम्मी पोचा लगाती रहती है और यहाँ पे मम्मी को अपना घर नहीं पता अपना घर नहीं मानती मम्मी ये तो एक तक कहीं भी रहे ना वहाँ थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ये गंदा लगेगा ये गंदा लगेगा तो ये वाला घर मम्मी को गंदा नहीं लगता ना देखो इधर रहूंगी ना तो इधर भी कर तो गाइस ऐसे मजे ले रहे हैं हम तो आपके और आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट दे रहे हैं और बात ही क्या ही कर रहे हैं यार घर पे बैठे ये सारी बातें होती है तो ऐसे ही मजे ले रहे थे मतलब मम्मी भी मजे लेती रहती है चलना अब मम्मी ऐसे बोल रही है कि उस वाले घर चल उस वाले घर नहीं एक नया और घर ले रहे हैं उसकी रजिस्ट्री होने वाली है तो वो रजिस्ट्री होने वाली है तो उसके लिए मम्मी जा रही है उधर वाली जगह जो वो जिन इंसान से ले रहे उसको पेमेंट देने जा रहे हैं बच्चे तो बोल रहे हैं कि आज हम मम्मी क्या बोल रही है कि जिस इंसान से ले रहे हैं ना वो घर उसको पेमेंट देने जा रहे हैं और आज तो गाइस हमारा एक फ्लैट और होने वाला है हमारे अर्जुन बना के तो उसके लिए भी आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो काफी सारे कमेंट भी आएंगे मुझे और उसके लिए मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ थैंक यू मम्मी आप भी कुछ बोलोगे मैं क्या बोलूंगी मेरे बच्चे अच्छे भगवान की दया से आपकी दया से सबकी दया बनी रहे ढेर सारा प्यार दो
सपोर्ट करो मम्मी को, है लाइक करो, हम आपके साथ ऐसे ही होने रहेंगे, हंसते रहेंगे, आप गुस्सा मत किया करो भाई सा, हंसते खेलते रहा करो। मम्मी ऐसे बोले, अगर कोई बड़ा छोटा कुछ कह भी दे तो थोड़ा सा दिमाग से इधर से सुनो, इधर से निकालो, उनकी सेवा मेरी करो। मेरी तरह मम्मी मुझे कुछ बहुत कुछ बोल देते ना, उनकी सेवा करो। ये तो सब गलत बोल रही है, कुछ भी नहीं कहते इसको, कुछ कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं। मम्मी इसने मेरी तरह ना मौका ही नहीं दिया किसी को, क्यों मेरी तरह इसमें से सुनो ऐसे निकल दो। हाँ मम्मी है ना, कुछ बोलती है ना तो भी मैं चुप रहती थी, बस इसका ये रीजन था, इसकी चुप्पी का रीजन था। चुप रहोगे तो बहुत कुछ आगे जाओगे आप। वैसे तो देखो है ना, छोटी मोटी बातें होती रहती है, हर घर में होती है, ये ऐसी कुछ नहीं होती कि आपके साथ ही हो रही है, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। हाँ। ये सास ऐसे क्यूट सी लगती है, ये कुछ अरे ये सास क्यूट सी लगती है कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे होते रहते हैं। उस कान से निकालो, उस कान में, ये कान में मम्मी घालती ना, अटिला हूँ या निकाल देती मैं डाल ऐसे मजे ले रही हूँ। ठीक है, अब चलते हैं उस वाले घर। कीशा, हमारा कीशु आ गया। चलो कीशा, स्कूल में क्या क्या हुआ कीशा? उस वाले घर पे जाने से पहले मुझे है ना कपड़े भी सुखाने। मम्मी मशीन, अरे नहीं मम्मी, स्कूल ड्रेस है ऋषभ की, मॉलर जल्दी देख लो, अब वो देख लो देख लो, अभी व्लॉग में दिख गया ना, ये बिल्कुल नहीं काटने वाली। मम्मी ने मुझे मॉलर जाती बोला। आप सबको बताइए, मम्मी के पास आई हुई थी और फ्लैट देखने के लिए कोई भैया आए हैं, ऋषभ के पापा का फ़ोन आया, बस उनको फ्लैट जाके दिखा के आऊँगी रेंट के पर्पस से। वो क्या है ना, हमारे दो फ्लैट खाली पड़े हैं तो उनको रेंट पे चढ़ाना पड़ेगा ना, इसलिए अभी तक हमारे फ्लैट आए। हाथ चाट लिया बंदवाश, कल इसके आँख में दूध डाल दिया ना, उस टाइम से ऐसे अजीब सा ही हो रहा है, ये तो दूध पी रही। अभी तक फ्लैट देखने के लिए वो आ रहे थे भैया, अभी तक नहीं आए, बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ मैं। मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा दूध ही पिला दूँ। वो क्या हुआ, मैं घर से निकली और पहले ऋषभ के पापा को फ़ोन किया क्योंकि वो आए ही नहीं थे, और मैं निकली और निकलते ही है ना ऋषभ के पापा का फिर से फ़ोन आ गया कि घर पर वो देखने के लिए आ गए, और सुरभि भी आई है घर पर, तो मुझे सुरभि से भी मिलने जाना है। और वो आप सबको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, घर दिखाने भी जाना है। बस यहाँ से मैंने मम्मी के लिए टिकिया पैक की है, जाते हुए मम्मी को टिकिया दूंगी फिर। थैंक यू भैया, हो गया पेमेंट? ठीक है, बस मम्मी को जाते हुए टिकिया दे देती हूँ। लेके कौन आई? पाछो ही है ना, आई क्यों? फोन तो लेके आई हूँ पर है ना पाछो फोन आए क्या ना कहना था, कोई तो आई है कि आई क्यों बता, जाऊँ मैंने। ठीक है भाई ऋषभ, ओके बाय। मम्मी ऐसे बोल रही है, मम्मी पता है क्या बोल रही है, रात रात यही रह जा। मम्मी के पता है ऐसे रहता है कि ये हर दिन मेरे पास हमेशा कंफ्यूज ही रहे अगर। हाँ। कितनी बार तेरे को बता दिया खमंगणी सा, मस्त। चलो भैया ऊपर। हाँ जी हाँ, फर्स्ट पे चलो, फर्स्ट पे भी है, सेकंड पे भी है, जो भी आपको समझ में आए। आइए सर, आइए। चल सुरभि, तू सेकंड पे चल, आ जाओ। हुकुम को ऐसे कमेंट करते रहते हैं कि आपकी सासू माँ मस्त है, मस्त है, मस्त है, और तू भी है, तू भी मेरे सासू से ही प्यार करने लग गई क्या? और दो प्यार हो गया मेरे। ए ये यहाँ किसी और का। हाँ मैं आ रही हूँ एक ही मिनट में। सुरभि और रखिए, बहुत ज्यादा बिजी, तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो आप देख सकते हो सुरभि बिजी नहीं है, ये मेरे लिए टाइम नहीं निकालती। और मैं आज सुबह 11 बजे से पता है तेरा वेट कर रही थी, नहा धो के रही थी कि राजस्थानी राजपूती ड्रेस पहन के बैठी हूँ तेरे लिए, मेरे लिए। तो अपन झोटवाड़ा जाने वाले थे ना, पोशाक करवा के लेके आने वाले थे, क्या हुआ फिर? वो क्या है कि दुकान पे ना वो इतनी ज्यादा भीड़ थी ना, तो उन्होंने मना कर दिया दुकान वाले ने आने के लिए, गए ही नहीं हम। पागल मत बना, आई झूठी। तो आप देख सकते हैं प्रीति ने इतनी ज्यादा पागल हो चुकी है ना, सोचिए पोशाक का वो लग गया आजकल। हमारे रेणुका वैसा से मिलो आप, छोड़ो इसको। सीधे लोगों से मिलवाऊंगी मैं अब। सीधी नहीं, आप भी नहीं हो गया, पर मुझे लगा नहीं, नहीं वो ऐसे थोड़ा एक दो बार मिलेंगे। हाँ, तब फर्स्ट टाइम था ना अपना, हाँ इसलिए।
गाइज आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना मेरे चैनल पे। अगर आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और पीछे देख सकते हो लाइक करो। सुरभि का ये मुंह देख के अगर आपने लाइक नहीं ठोका ना तो देख लेना। वो दिख रहा क्या? हाँ दिख रहा ना, वो है कि मैं दिख रही हूँ? तो तू तू बना वो वाला मुंह फिर से, मेरी वाली जीभ देखना बहुत लंबी है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।